आज हम लोग यहाँ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो दिलीजवार अभी हैं, जो बेंगलुरु की हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रही हैं, 2019 से उन्होंने स्टार्ट किया है, वो पहले से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन 2019 से जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर करके हैं उन्होंने उसकी इंडिया के में उस संस्था की स्थापना की है और वो पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ती हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन के साथ समर्थन किया और जो इंसान पर्यावरण को बचाने के लिए या सही का साथ जनहित के लिए करता है, हमारी देश की सरकार उसी के खिलाफ साजिश करती है और जो कंपनियां जहर बनाती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, जहर बेचती हैं, उसका साथ देती हैं। आज जो गैस पीड़ित हैं 36 साल से इसी चीज़ को भुगत रहे हैं, वो भी पर्यावरण को बचाने और जो लोगों को नुकसान पहुँचा है उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने या प्रदेश की सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, ना ही हमें कोई इंसाफ दिया है। और जब हम इसके लिए हमें 36 साल बाद इंसाफ नहीं मिला तो आगे हम उनसे अभी भी मांग कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है कि वो हमें इंसाफ दें और भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ न्याय करें और दिशा जो है उन्हें रिहा करें। आज की हमारी मांग मुख्य यही है कि दिशा को रिहा करें, उनके जो ऊपर जो देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया गया वो वापस लें और उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि अगर दिशा के साथ आज ऐसा हुआ है तो जो यंग जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है, वो कभी भी देश को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उन पर अगर ऐसी तरह से देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो आप खुद ही बताएं कि कोई कैसे आगे बढ़ेगा और फिर देश को और दुनिया को कैसे बचाएगा। वो एक अच्छे चीज़ के लिए लड़ेंगे, वो उन्हें ना कि देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाना चाहिए बल्कि उन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी की पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि उन्हें देशद्रोही और उनकी निंदा करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। आपका नाम नौशीन।